आज धर्म यात्रा में हम और आप चलेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और दर्शन करेंगे माँ ब्रजेश्वरी देवी के। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में हजारों मंदिर हैं, लेकिन यह मंदिर इस क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। माँ ब्रजेश्वरी देवी का ये मंदिर नगर कोटी वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ ब्रजेश्वरी देवी की नगरी में मकर संक्रांति अत्यंत भिन्न तरह से मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ब्रजेश्वरी देवी का यह मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित इस शक्ति पीठ को नगर कोट वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ का वो शक्ति पीठ है जहाँ सती का दाहिना वक्ष गिरा था। यहाँ तीन धर्मों के प्रतीक के रूप में माँ की तीन पिंडियों की पूजा होती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित पहली और मुख्य पिंडी माँ ब्रजेश्वरी की है, दूसरी माँ भद्रकाली, जबकि तीसरी और सबसे छोटी पिंडी माँ एकादशी की है। मंदिर परिसर में ही भगवान भैरव का भी मंदिर है। यहाँ विराजे भगवान भैरव की मूर्ति बड़ी ही खास है। कहते हैं जब भी कांगड़ा पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इस मंदिर की आंखों से आंसू और शरीर से पसीना निकलने लगता है। तब मंदिर के पुजारी विशाल हवन का आयोजन कर माँ से आने वाली आपदा को टालने का निवेदन करते हैं। और यह ब्रजेश्वरी शक्ति पीठ का चमत्कार और महिमा ही है कि आने वाली हर आपदा माँ के आशीष से टल जाती है। नहीं कहता सदियों से कहता इतिहास यही है, राम हो या हो कृष्ण सभी ने माँ की पूजा की है। कौन सा युग है ऐसा जिस पे, कौन सा युग है ऐसा जिस पे माँ तेरा एहसान नहीं, तेरे आशीर्वाद जैसा। ब्रजेश्वरी देवी के इस शक्ति पीठ में प्रतिदिन माँ की 5 बार आरती होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले माँ की शैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात्रि के श्रृंगार में ही माँ की मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के बाद माँ का रात्रि श्रृंगार उतार कर उनकी तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद पीले चंदन से माँ का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चना, पूरी, फल और मेवे का भोग लगाकर संपन्न होती है माँ की प्रातःकालीन आरती। यदि दोपहर की आरती की बात करें तो दोपहर की आरती और भोग चढ़ाने की रस्म को गुप्त रखा जाता है। दोपहर की आरती के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। तब श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही बने एक विशेष स्थान पर अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ बच्चों का मुंडन करवाने से माँ बच्चों के जीवन की समस्त आपदाओं को हर लेती है। तुझसे बड़ा माँ इस दुनिया में। दोपहर बाद मंदिर के कपाट दोबारा भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और भक्त माँ का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। माँ ब्रजेश्वरी देवी की नगरी में मकर संक्रांति का पर्व बिल्कुल भिन्न तरह से मनाया जाता है। कई क्विंटल देसी घी को कुएं के शीतल जल में 101 बार धोकर और उसे मक्खन बनाकर माँ की पिंडी पर चढ़ाया जाता है। फिर एक सप्ताह बाद उसी मक्खन को निकालकर भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सूर्यास्त के बाद इन पिंडियों को स्नान कराकर पंचामृत से इनका दोबारा अभिषेक किया जाता है। लाल चंदन, फूल और नए वस्त्र पहनाकर माँ का श्रृंगार किया जाता है और इसके साथ ही
सायंकाल आरती संपन्न होती है। इस दुनिया में शाम की आरती का भोग भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसके बाद रात्रि में माँ की शयन आरती की जाती है। मंदिर के पुजारी माँ की शैया तैयार कर पूजा अर्चना करते हैं। तो जितना रखती है कोई रखता मेरा ध्यान। कहते हैं एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इस शक्ति पीठ में माँ एकादशी स्वयं मौजूद हैं, इसलिए यहाँ भोग में चावल ही चढ़ाया जाता है। ब्रजेश्वरी शक्ति पीठ माँ का एक ऐसा धाम है जहाँ भक्तों का हर दुख और तकलीफ माँ की एक झलक पाते ही दूर हो जाते हैं। माता ब्रजेश्वरी का यह शक्तिपीठ अपने आप में अनूठा और विशेष है, क्योंकि यहाँ मात्र हिंदू भक्त ही शीश नहीं झुकाते, बल्कि सिख और मुस्लिम धर्म के श्रद्धालु भी यहाँ आकर अपनी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के तीन गुंबद इन तीन धर्मों के प्रतीक हैं। पहला हिंदू धर्म का प्रतीक है जिसकी आकृति मंदिर जैसी है, तो दूसरा मुस्लिम समाज का और तीसरा गुंबद सिख संप्रदाय का प्रतीक है। माँ के इस शक्तिपीठ में ही उनके परम भक्त ध्यानु ने अपना शीश अर्पित किया था, इसलिए माँ के वो भक्त जो ध्यानु के अनुयायी भी हैं, वो पीले रंग के वस्त्र धारण कर मंदिर में आते हैं और माँ का दर्शन पूजन कर स्वयं को धन्य करते हैं। छाया में चलना मैंने सीखा, जितना तेरा ऋण है मुझ पे उतना नहीं किसी का। वैसे तो इस शक्तिपीठ में वर्ष भर भक्तों की भीड़ रहती है, मगर चैत्र और शरद कालीन नवरात्रों में यहाँ कांगड़ा वाली देवी की जोत जलाने वाले भक्तों का सैलाब देखने लायक होता है। चैत्र के नवरात्रों में पीले रंग के परिधानों में देवी दर्शन को आने वाले भक्त इस शक्ति पीठ के प्रति जनास्था का दर्शन कराते हैं, मगर चैत्र और शरद कालीन नवरात्रों में यहाँ कांगड़ा वाली देवी की जात लगाने वाले भक्तों का सैलाब देखने लायक होता है। चैत्र के नवरात्रों में पीले रंग के परिधानों में देवी दर्शन को आने वाले भक्त इस शक्ति पीठ के प्रति जनास्था का दीदार कराते हैं। माँ ब्रजेश्वरी देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ ब्रजेश्वरी देवी का ये मंदिर नगरकोटि वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तीन धर्मों के प्रतीक के रूप में माँ की तीन पिंडियों की आराधना की जाती है। माँ ब्रजेश्वरी देवी की दिन भर में 5 बार आरती की जाती है। यहाँ माँ सती का वक्ष गिरा था। कांगड़ा वाली ब्रजेश्वरी देवी की जात को आने वाले श्रद्धालुओं में कोई दंडवत अवस्था में लेटकर माँ के भवन तक की दूरी नापता हुआ दर्शन को जाता है, तो कोई घुटनों के बल चलकर माँ के भवन तक की दूरी तय करता है। माँ ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन के लिए नंगे पांव आने वाले जत्थों की तो कोई गिनती ही नहीं है। सबका अटूट विश्वास है कि माँ कांगड़ा वाली सबकी मुराद पूरी करती है। माँ की कृपा से जिन जोगिनों की गोद भर जाती है, वे नवरात्रों में देवी की जात करने के साथ यहाँ अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। शादी की मुराद पूरी होने पर नव युगल परिवार सहित देवी की जात कर जीवन की खुशहाली की आराधना करते हैं। चैत्र व शरद कालीन नवरात्रों पर ब्रजेश्वरी देवी मंदिर पर विशेष मेलों का आयोजन होता है। कहते हैं जो भी भक्त मन में सच्ची श्रद्धा लेकर माँ के इस दरबार में पहुँचता है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। फिर चाहे वो मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की लालसा, माँ अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है।
कांगड़ा के इस ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में आकर मकर संक्रांति का पर्व विशेष प्रकार से मनाए जाने की परंपरा है। भारतीय शास्त्रीय विधान कहते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व न केवल हमारे पापों को हरने वाला है बल्कि पारिवारिक सुख समृद्धि प्रदान करने वाला भी है। समूचे उत्तरी भारत में मकर संक्रांति को खिचड़ी के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व स्नान पर्व के रूप में भी जाना जाता है, परंतु माँ ब्रजेश्वरी देवी की नगरी में यह पर्व बिल्कुल भिन्न तरह से मनाया जाता है। यहाँ कई क्विंटल देसी घी को कुएं के शीतल जल से 101 बार धोकर और मक्खन लगाकर माता की पिंडी पर चढ़ाया जाता है। एक सप्ताह बाद इस शुद्ध मक्खन को पिंडी से उतारा जाता है और लाखों भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। श्रद्धालु मक्खन को विभिन्न चर्म रोगों के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। मेरे जीवन पे जननी मां बस अधिकार है तेरा, चारों धामों से प्यार मुझको मां प्यार है तेरा, सर पे हाथ रहे बस तेरा, सर पे हाथ रहे बस तेरा, और कोई अरमान नहीं तेरे आशीर्वाद जैसा और कोई। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में राक्षसों के साथ हुए भीषण युद्ध में देवी ने लाखों राक्षसों का वध किया, लेकिन युद्ध के दौरान देवी के शरीर पर भी घाव आए। देवी के शरीर पर जहां जहां घाव आए देवताओं ने मिलकर वहां वहां घी का लेप किया। आज भी उसी परंपरा को जारी रखते हुए माता की पिंडी पर मक्खन का लेप किया जाता है। इस उपलक्ष्य में माता ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर में हर साल घृत मंडल तैयार किया जाता है। इस दौरान माँ की पिंडी पर मक्खन का लेप लगाकर घृत मंडल तैयार किया जाता है। देसी घी से मक्खन बनाने के लिए पुजारियों की टीम पूरी शिद्दत के साथ एक हफ्ते तक जुटी रहती है। कांगड़ा के इस नगर कोट धाम में मकर संक्रांति के दिन माता के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। माँ के दर्शन के लिए दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। रात को धार्मिक कार्यक्रम भी होता है जिसमें भक्तों की भारी भीड़ माता के भजनों का आनंद लेती है। माँ ब्रजेश्वरी देवी का ये मंदिर एक ऐसा धाम है जहाँ सिर्फ माँ की एक झलक पा लेने से भक्तों के सभी रोग सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये वह मंदिर है जहाँ माँ सती का वक्ष गिरा था। माँ ब्रजेश्वरी देवी के इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम सिख ईसाई भी माँ के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं।